तो आपने अभी तक हजारों वीडियो देख लिए होंगे शूज के ऊपर, लेकिन शायद आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तभी आप इस वीडियो पे हो। तो आज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं एक दो कैजुअल और एक फॉर्मल टाइप का शूज, तीनों ही चीज लेदर के अंदर है और ये तीनों ही आपकी पर्सनालिटी को एक लेवल और ऊपर ले जा सकती है। 8 या 9 शूज बताने का मतलब नहीं, क्योंकि हम में से ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक 8 या 9 शूज अफोर्ड कर ही ले, लेकिन ये 3 शूज आपके पास बेशक होने चाहिए अगर आपको एक लेवल और ऊपर जाना है अपनी पर्सनैलिटी में। तो फिर देर किस बात की है, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे जो आते हैं वो है इस टाइप के लोफर्स। अब इनको कैसे पहनना है, मैंने आपको दिखाया था कि आपको इस टाइप के सॉक्स चाहिए, आपको इस टाइप के सॉक्स पहले पहनने हैं, उसके बाद आपको शूज को पहनना है, सो दैट आपके शूज की लाइफ भी बनी रहे और उसमें से स्मेल भी नहीं आए और ये सॉक्स दिखेंगे भी नहीं, आपने पहने या नहीं वो पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप लोफर पहन रहे हो तो प्लीज ये वाले सॉक्स आप पहले परचेज कर लो। अब ये वाले जो मैं आपको शूज बता रहा हूँ, ये लेदर के, ये कैनवास से काफी और ज्यादा स्टाइलिश दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये आपकी किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ बहुत बहुत अच्छे लगने वाले हैं इस टाइप के लेदर शूज, और आपकी पर्सनालिटी एक लेवल ऊपर जाएगी, क्योंकि आजकल सभी लोग जो पहन रहे हैं वो कैनवास टाइप के पहन रहे हैं, लेकिन आपके पास लेदर होगा तो काफी अच्छा लगेगा। सेकंड नंबर पे जो शूज आते हैं वो है ये वाले शूज। ये आपके कैजुअल में भी अच्छे लगेंगे, ये आपके फॉर्मल्स में भी उतने ही अच्छे लगने वाले, बस आप इसको शॉर्ट्स के साथ मत पहन लेना। शॉर्ट्स के साथ अगर आपको पहनना है तो वो लोफर ही पहनना, लेकिन अगर आप कोई कैजुअल पहन रहे हो या फिर फॉर्मल पहन रहे हो तो ये शूज उन दोनों कंडीशन में काफी आपको एक अच्छी फील देने वाले। आप ऐसा नहीं लगोगे कि आप कुछ भी पहन के, अगर आप बहुत शानदार दिखने वाले हो अगर आपके पास इस टाइप के शूज है तो। और ये देखो कितने अच्छे से आपके लिए काम करेगा, अगर देखो मैं इसको जीन्स के ऊपर पहन रहा हूँ तो भी अच्छा लग रहा है, अगर मैं इसको फॉर्मल पैंट के ऊपर पहन रहा हूँ तो भी ये उतना ही अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी तक आपके पास इस टाइप के शूज नहीं है तो भाई देर किस बात की है, सबसे पहले जाओ और ये वाला शूज खरीदना बिल्कुल मत भूलना। मैं अगर ये आपको 3 शूज बता रहा हूँ, अगर मैं आपको इसमें से भी एक शूज पिक करके दूं तो वो यही वाला शूज होगा। थर्ड नंबर पे जो शूज आते हैं वो है ये वाले। ये आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल के साथ ही पहनना, चाहे आप सूट के साथ पहनो या फिर आप फॉर्मल के साथ पहनो, इसको जीन्स शॉर्ट्स इन सब के साथ पहनने की सोचना भी नहीं। ये एकदम डार्क ब्लैक है और ये आपकी पर्सनालिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अगर आप फॉर्मल पहन रहे हैं तो प्लीज इस टाइप के शूज आज ही परचेज कर लो, अगर आप ऑफिस में हो या फिर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर आपके कुछ कॉलेज का फंक्शन है, अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो प्लीज आपके पास इस टाइप के शूज होने कंपलसरी है, आप बहुत अच्छे लगोगे। और ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई वेबसाइट ने नहीं, किसी ने नहीं, तो आप ये शूज कहीं से भी जाके खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है ये शूज, अगर आपको लग रहा है कि ये शूज शायद हमको नहीं मिलेंगे, तो मैसेज कर लेना, बंदा आपको सब कुछ बता देगा ये शूज कहाँ मिलेंगे, किस वेबसाइट पे मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ये वाली चीजें फॉलो करोगे। तो प्लीज यार जाओ यार, अपनी पर्सनैलिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाओ, ऐसी और वीडियोज आती रहेगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियोस देख के अगर आपको चुटकी भर भी फायदा मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं यार, आज सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत देर हो गई, सब्सक्राइब करके जाओ, पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, कर दिया सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।